If the language is a barrier, you may watch the same video in English. Link is given in the description. Hello students, Deepak's Tuition Center के YouTube channel में आपका स्वागत है। इस video में हम chapter के key concepts, standard symbols, basic terminologies और standard formulae पे discussion करेंगे और साथ ही साथ कुछ representative examples भी solve करेंगे। Video का जो सबसे important portion है वो discussion of critical areas जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कमिट करते हैं, तो आप ध्यान रखें उन मिस्टेक्स का और ये भी ध्यान रखें कि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। रिफ्लेक्शन, ये चैप्टर मोस्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेस्ड है, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तुमको जो भी कुछ आता है वो तुमको अच्छे से याद रखना होगा। अगर नहीं याद है तो अच्छे से रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और हम लोग का हर पॉइंट को एक कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कॉमा वाई। तो मान लो ये पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई, यहां पे एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्स वाला जो पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट उसको एब्सिसा बोलते हैं और वाई वाले को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। कोई भी पॉइंट अगर किसी चीज में रिफ्लेक्ट होता है तो ये बेसिक थोड़ा सा फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, बट ज्यादा नहीं है, एकदम लिटिल सा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तुम जिस चीज में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको मिरर की तरह ट्रीट करो। सो अगर ये मेरा मिरर है और ये पॉइंट है और इसको रिफ्लेक्ट करवाना है तो कुछ बेसिक रूल्स पता होना चाहिए। पहला रूल ये है कि ये दोनों आप ये जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब जैसे एकदम स्ट्रेट लाइन इधर आ रहा हो, ठीक है, तो जो कि इस मिरर से परपेंडिकुलर होगा। सेकेंड चीज जो हम लोग को याद रखना चाहिए वो ये कि ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा। सो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये मेरा एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन है जो मिरर है और ये मेरा रिफ्लेक्टेड पॉइंट है और ये मेरा ओरिजिनल पॉइंट है। सो ओरिजिनल पॉइंट और एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस हमारा रिफ्लेक्टेड पॉइंट और एक्सिस के बीच में होगा, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टेड पॉइंट बेसिकली रिफ्लेक्टेड पॉइंट एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन के उतना ही पीछे होगा जितना ओरिजिनल पॉइंट आगे होगा, तो ये गैप विल बी इक्वल टू वो गैप। ये बहुत ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है, काफी सारा जगह काम आता है। सेकेंड इज इनवेरिएंट पॉइंट्स। इनवेरिएंट पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। अच्छा, फिलहाल अगर हम लोग यहां पे ध्यान दे वापस, तो हम लोग रियलाइज कर सकते हैं कि अगर ये x, y था, मतलब सपोज 2, 3, तो ये 2, 3 नहीं होगा, ये कुछ भी हो सकता है। अभी ये लाइन मैंने ऐसे बनाया, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कंप्लीटली डज नॉट मैटर। तो ये तुमको मन में लग रहा होगा ये शायद x एक्सिस है, जरूरी नहीं है, ये कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस भी हो सकता है, ये वर्टिकल भी हो सकता था और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस भी हो सकता था। तो वैसे कोई भी सिनेरियो हो सकता है, एक चीज तो पक्का है, जो कोऑर्डिनेट इसका है वो कोऑर्डिनेट इसका नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिसका बिफोर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों में कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब वो चेंज नहीं हुआ, उस पर्टिकुलर को हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसका कोऑर्डिनेट आफ्टर रिफ्लेक्शन भी चेंज ना हो। हाउ कैन दैट हैपन, कोई भी पॉइंट इससे कितना भी दूर होगा, जितना दूर ऊपर होगा उतना ही दूर नीचे होगा। तो अगर मैं मान लू ऊपर का दूरी जीरो है, मतलब वो पॉइंट यहां पे लाई करता है, तो नीचे का भी कोई दूरी नहीं होगा। तो अगर ऊपर का दूरी नहीं है, नीचे का दूरी नहीं है, इसका मतलब हर वो पॉइंट जो कि एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन पे लाई करता है, एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन सम के बेसिस पे चेंज होता रहता है, तो वो पॉइंट जो एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन पे लाई करता है वो पक्का इनवेरिएंट है, ठीक है ना। मतलब उसको आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोग बदल नहीं सकते, उसका कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा। इस चैप्टर का जो सम्स है वो जनरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक वो पार्ट्स है जहां पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाएगा कि तुमको ग्राफ बनाना जरूरी है, तो वैसा सिचुएशन में हम लोग ग्राफ्स नहीं बनाएंगे क्योंकि फालतू का मेहनत है, हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन वो आता है जिनमें मेंशन किया जाएगा कि ग्राफ बनाना कंपलसरी है, तो वैसा सिचुएशन में सारा काम ग्राफ पे होगा, पेपर पे सिर्फ आंसर लिखा जाएगा और कोई हेडेक वाला कहानी नहीं है। जनरली ग्राफ वाला क्वेश्चंस ही देता है बोर्ड्स में, बट जस्ट इन केस दूसरा वाला टाइप भी दे सकता है, तो हम लोग को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। सो क्या स्टेटमेंट्स लिखना है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए
और एकदम पूरा रटोफाई है, तो अच्छे से रट लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला स्टेटमेंट, कोई भी पॉइंट अगर हम लोग रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो हम लोग या तो उसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाते हैं, या वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाते हैं, या ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करवाते हैं। इन तीनों के अलावा हम लोग उनको कोई भी लाइन जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस है उनमें भी रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। तो हर एक का अलग स्टेटमेंट है, सिंपल फॉर्मूलाज है, नॉट रियली फॉर्मूलाज बट टेक्निक्स है जिससे बहुत इजी हो जाता है। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, कोई भी पॉइंट, कोई भी 2,3 सपोज इन द एक्स एक्सिस इज द पॉइंट पी डैश एक्स कॉमा माइनस वाई। एक्स एक्स को तो बचाएगा ही पर वाई को नहीं बचाएगा, सो बेसिकली एक्स के एक्सिस में रिफ्लेक्शन से उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होता, पर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। सो अगर ये पॉइंट 2,3 था तो अब आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 2,-3। ये स्टेटमेंट एकदम अच्छे से रट लो, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है, सब में रिपीटेशन है, खाली क्या चेंज है, एक्स एक्सिस के जगह वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के जगह ओरिजिन, ओरिजिन के जगह लाइन इन लाइन वाई इक्वल्स टू ए या फिर लाइन एक्स इक्वल्स टू ए, और इनका फॉर्मूलाज चेंज है बस, और कुछ भी चेंज नहीं है। तो बाकी पूरा लाइन एकदम सिंपल है, अगर क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनाना होगा तो इन लाइंस को फॉलो करेंगे। सेकंड, अगर हम लोग वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो वाई वाई को बचाएगा लेकिन एक्स को नहीं बचाएगा, सो बेसिकली वाई क्या करेगा, वाई का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा लेकिन एक्स का होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा वाई। ये ओरिजिनल पॉइंट है, ये रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, ऑब्वियसली नाम डिफरेंट होना चाहिए, जनरली बुक्स में पी पी डैश पी डैश डैश उस तरीके से यूज करते हैं, तो मैं सब में पी डैश यूज कर रहा हूं, अगर पॉइंट पी है तो हमारा उसका जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है उसको पी डैश बोल दे। द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इन द ओरिजिन, सो ओरिजिन किसी का सगा नहीं है, वो ना एक्स को बचाएगा ना वाई को, तो ना एक्स बचेगा ना वाई, दोनों बदल जाएगा, तो एक्स का माइनस एक्स और वाई का माइनस वाई। कोई भी कोऑर्डिनेट सपोज 2,3 अगर उसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाते हैं 2,3 को, तो वो वाई एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 2,-3, लेकिन उसी कोऑर्डिनेट 2,3 को अगर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो वो हो जाएगा -2,3, और उसी कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो वो 2,3 से बन जाएगा -2,-3। कोई भी लाइन जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है वो हॉरिजॉन्टल होगा, और कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस से पैरेलल है वो वर्टिकल होगा। इट विल बिहेव लाइक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सो बेसिकली कोई भी लाइन रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इन द लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज द पॉइंट पी एक्स कॉमा समथिंग। सो बेसिकली इसमें भी एक्स चेंज नहीं हुआ पर वाई चेंज हुआ, लेकिन यहां पे चेंज इतना सिंपल नहीं है, यहां पे वाई का माइनस वाई नहीं होगा, यहां पे इफेक्ट थोड़ा दूसरा प्ले करेगा। तो यहां पे क्या इफेक्ट प्ले करेगा उसके लिए तुमको पहले जानना पड़ेगा कि वो लाइन जो कि वाई एक्सिस को कट करेगा, ऑब्वियस सा बात है अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, तो उसके लिए हम लोग को पहले जानना पड़ेगा कि कोई भी लाइन जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उसका इक्वेशन होता है वाई इक्वल्स टू ए, ए मीनिंग एनीथिंग एनी नंबर, तो वाई इक्वल्स टू समथिंग। ये ए वो पॉइंट है जहां पे वो लाइन वाई एक्सिस को कट करता है, तो हम लोग को उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पक्का क्वेश्चन में दिया होगा, तो वैसा सिचुएशन में तुम समझ जाओगे कि ए क्या है, और ए का वैल्यू निकलते ही तुम इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। सो कोई भी लाइन अगर y इक्वल्स टू ए दिया या y प्लस टू इक्वल्स टू थ्री सॉरी y प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया y इक्वल्स टू माइनस टू, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया माइनस टू, ठीक है ना। तो वैसा सिचुएशन में हम लोग को इसका ये फॉर्मूला यूज करना है, x क्योंकि लाइन का इक्वेशन दिया है y इक्वल्स टू a, इसका मतलब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उल्टा, और अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो ये एक्स को बदलने नहीं देगा, तो एक्स का एक्स रहेगा पर वाई बदलेगा, कैसे बदलेगा माइनस वाई प्लस टू ए। तो तुम्हारा पूरा मुद्दा है तुमको ये ए का वैल्यू निकालना है, तो अगर मेरा इक्वेशन मेरा पॉइंट है 2,3 और वाई इक्वल्स टू माइनस टू ए, तो वैसा सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस टू इंटू माइनस टू, सो बेसिकली माइनस थ्री माइनस फोर, सो ये हो जाएगा हम लोग का -7, ठीक है ना, तो 2,-7 हो जाएगा। तो वैसा ही सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो कोई भी लाइन जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल होगा
उसका इक्वेशन ऑब्वियसली x इक्वल टू समथिंग होगा। मैंने a ले लिया, कोई बुक में b भी गिवन है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, x इक्वल्स टू समथिंग। इस समथिंग का वैल्यू तुमको असर्टेन करना पड़ेगा क्वेश्चन के मदद से, और फिर जब उसमें रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्योंकि ये y एक्सिस से पैरेलल है, ये y को बदलने नहीं देगा, तो y का y रह जाएगा, लेकिन x बदलेगा। कैसे बदलेगा? माइनस x प्लस 2a। अगर क्वेश्चन में बोला नहीं है कि यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, तो वैसा सिचुएशन में ये स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे। अ पॉइंट पी इज रिफ्लेक्टेड टू पी डैश इन द एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज आर 2, -3। फाइंड सब पार्ट 1 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, सब पार्ट 2 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज पी डैश डैश ऑफ पी अंडर द रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, सब पार्ट 3 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज क्यू डैश ऑफ द पॉइंट क्यू 1, 2 इन द लाइन पी पी डैश। ऑब्वियसली क्वेश्चन में ग्राफ का कोई नेसेसिटी नहीं है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हम लोग को पहले हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोगों का जो पॉइंट पी है उसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाने के बाद हम लोग को एक पॉइंट मिलता है पी डैश जो कि 2, -3 है। कोई भी पॉइंट, जो सपोज ये पॉइंट पी था, ऐसे ही कुछ रैंडम, इसका जरूरत नहीं है, जस्ट इमेजिनेशन के लिए, ग्राफ का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सोचो ये पॉइंट पी था 2, 3, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा, इसको एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करवा के हम लोगों ने पॉइंट लाया पी डैश -2, 3। ठीक है ना, मैंने पहले ही से इसको कोऑर्डिनेट को लिख दिया क्योंकि मेरे को आंसर मालूम है, बट जस्ट इन केस अगर तुम इमेजिन करो कि पी डैश जो -2, 3 है वो अगर किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके आया है, तो अगर मैं उसको वापस री रिफ्लेक्ट करूं तो मेरे को ओरिजिनल पॉइंट मिल जाएगा। तो मन में -2, -3 को अगर हम लोग री रिफ्लेक्ट करें एक्स एक्सिस में, तो वो पक्का 2, 2 को सेव करेगा और -3, 3 बन जाएगा, तो आंसर होगा 2, 3। सिंस पी डैश 2, -3 इज द इमेज ऑफ पी आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर 2, 3। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा 2, 3 पी का कोऑर्डिनेट्स, वो आंसर आ गया। सेकेंड, द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी 2, 3 इन द वाई एक्सिस। सो बेसिकली ये जो पॉइंट 2, 3 है, क्वेश्चन में ऑब्वियसली सिर्फ पॉइंट पी बोला था, हम लोग को अब पता उसका कोऑर्डिनेट्स 2, 3 है। सो 2, 3 क्योंकि वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, 3, 3 रहेगा और 2, -2 बन जाएगा, सो -2, 3, और इसका कोऑर्डिनेट्स का इमेज दे दिया हमने पी डैश डैश, क्योंकि पी डैश ऑलरेडी यूज्ड है। तीसरा चीज हम लोग को बोला कि अगर एक पॉइंट है क्यू 1, 2 और उसको हम लोग लाइन पी पी डैश में रिफ्लेक्ट करें, तो पहले अपने माइंड में इमेजिन करना पड़ेगा कि लाइन पी पी डैश क्या है। अब क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन तो नहीं है, तो बचता दो ही ऑप्शन है, या तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अगर समझ में आ जाए ओरली तो बेस्ट है, नहीं आए तो फटाफट रफ में एक छोटा सा ग्राफ बना लो, पॉइंट पी को एक रफ मार्किंग दो, पॉइंट पी डैश को एक रफ मार्किंग दो, तो तुमको दिख जाएगा कि ये जो लाइन पी पी डैश है ये पक्का हम लोगों का पैरेलल टू वाई एक्सिस है। कोई भी लाइन जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल होता है उसका इक्वेशन होता है एक्स इक्वल्स टू समथिंग। वो समथिंग क्या होता है? जहां पे ये कट करता है, और ऑब्वियसली वो 2 है, ठीक है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? एक्स इक्वल्स टू 2। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी पॉइंट क्यू 1, 2 इन द लाइन एक्स इक्वल्स टू 2। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्योंकि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, एक्स बदलेगा -1 + 2 इंटू 2, ठीक है ना, -x + 2a, y सेम टू सेम रहेगा, तो 2, 2 = 4 -1 = 3, तो 3, 2 हम लोगों का क्यू डैश का आंसर होगा। यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। टेक 2 cm इक्वल्स टू 1 unit अलॉन्ग बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। प्लॉट द पॉइंट्स O 0, 0, A -4, 4, B -3, 0 एंड C 0, -3। सब पार्ट 1, रिफ्लेक्ट पॉइंट्स ए एंड बी इन द वाई एक्सिस एंड नेम देम ए डैश एंड बी डैश रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप, राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट्स। सब पार्ट 2, नेम द फिगर ओ ए बी सी बी डैश ए डैश।
जैसा कि क्वेश्चन में बोला है यूज ग्राफ पेपर, तो इस पे ग्राफ पेपर पे ही काम करना है। और हम लोग का जो फाइनल आंसर होगा, जो फिनिशिंग स्टेटमेंट है, सिर्फ उसको ही हम लोग को नॉर्मल पेपर पे लिखना है, पर लिखना जरूर है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हम लोग का ग्राफ पेपर में क्वेश्चन में मेंशन किया है टेक 2 सेंटीमीटर एज वन यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, तो यही स्केल फॉलो करना होगा। हम लोगों को जो ग्राफ पेपर दिया जाएगा वो mm डिवीजन का होगा, मतलब एक छोटा बॉक्स 1 मिलीमीटर का, सॉरी 2 mm डिवीजन, तो एक छोटा बॉक्स 2 मिलीमीटर का। सो बेसिकली अगर मेरे को 2 सेंटीमीटर तक जाना है तो 10 छोटा बॉक्स चाहिएगा, सो एवरी 10 स्मॉल बॉक्स विल मेक 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखना, वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब तुम स्केल से भी 2 सेंटीमीटर नाप सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वंस यू हैव ड्रॉन द ग्राफ, इसके बाद हम लोग को क्या बोला है, पॉइंट्स मार्क करो। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा O, दैट इज 0.0, तो यहां पे मैंने मार्क कर दिया O, दैट इज 0.0। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा A, दैट इज -4.4, तो ये मेरा पॉइंट है A, -4.4। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा B, दैट इज -3.0, सो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा B, दैट इज -3.0। और लास्ट पॉइंट है मेरा C, सो ओ ए बी सी मेरे को मार्क करना है, सो ओ ए बी सी मेरा क्या है, सी है मेरा -3.0, सो सी दैट इज -3.0। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पॉइंट्स ए डैश और बी डैश बनाना है। ए डैश और बी डैश कैसे आएगा, ए डैश और बी डैश आएगा जब मैं पॉइंट्स ए और बी को रिफ्लेक्ट करूंगा एक्स एक्सिस में, सो सॉरी वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या है, इधर देखो 1, 2, 3, 4, तो जितना डिस्टेंस यहां है उतना ही डिस्टेंस वहां होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, तो यहां पे मेरे को पॉइंट मिलेगा ए डैश, दैट इज 4.4। इवन इफ मेरे को अगर ये नहीं पता था तो मैं नॉर्मल कैलकुलेशन कर ही सकता था, -4.4 व्हेन रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस विल बिकम 4.4। सिमिलरली अगर मैं बी को रिफ्लेक्ट करूं -3.0, तो ये बन जाएगा बी डैश, दैट इज 3.0। सो नाउ आई हैव ऑल द पॉइंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। सो ज्वाइन करेंगे ओ ए बी सी बी डैश सी डैश, तो ओ से जाएगा ए, सो ओ ए, ए से जाएगा बी, बी बी से जाएगा सी, सी सी से जाएगा बी डैश, बी डैश बी डैश से जाएगा ए डैश, ए डैश, और ऑब्वियसली लास्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। सो नाउ वी हैव द फिगर, ये फिगर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड्स फिगर है, तो ऑब्वियसली इसका नाम क्या है, हेक्सागोन। इनफैक्ट इसको तुम कॉनकेव हेक्सागोन भी बोल सकते हो, डू नॉट कॉल दिस एरो हेड, क्योंकि एरो हेड क्वाड्रिलैटरल होता है, ठीक है ना। तो ये एरो नहीं है, ये हेक्सागोन है या फिर कॉनकेव हेक्सागोन है, उससे ज्यादा कुछ मेंशन करने का जरूरत नहीं है। हेक्सागोन भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा। तो क्वेश्चन में बोला था राइट द कोऑर्डिनेट्स, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश आर 4.4 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डैश आर 3.0 और द फिगर ओ ए बी सी बी डैश ए डैश इज अ हेक्सागोन। जो क्रिटिकल एरियाज जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कमिट करते हैं वो ये कि स्टेटमेंट ही नहीं लिखते, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला है राइट द कोऑर्डिनेट्स, लेकिन कोऑर्डिनेट्स लिखना ही भूल गए, खाली ग्राफ बना के छोड़ दिया, नहीं नंबर कट जाएगा। और दूसरा, हम लोगों को जो हेक्सागोन है, जो नेम ऑफ द फिगर है, वो बहुत ही अच्छे से सोच के लिखना होगा, उल्टा पुल्टा नाम लिखोगे डेफिनेटली मार्क्स कटेगा। सेकेंड, कमिंग टू द ग्राफ, वाइल ड्रॉइंग द ग्राफ तुमको कुछ कुछ चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि एक्स डैश एक्स, वाई वाई डैश ओरिजिन, ये सब कुछ मार्क दो। हर लाइन के एंड्स में एरोज हो, जो स्केल हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है वही स्केल के हिसाब से हम लोग प्लॉटिंग करें, तभी तुमको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इन सब जगहों पे ध्यान नहीं दोगे तो बहुत सारा नंबर चला जाएगा और फालतू का इजीएस्ट पोर्शन में तुम्हारा नंबर कट जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस आइकॉन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे।